नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास कार्यक्रम है फिट है तो हिट है, जिसमें आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस पे। कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व इस समय परेशान है। 7 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और 35,000 तक जाने जा चुकी हैं। ऐसे में भारत में भी संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। इस समय भारत में भी लॉकडाउन है। ऐसे में डॉक्टर्स का क्या कहना है, कैसे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, इस विषय पर हम स्पेशल बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश सिंह, मैक्स हॉस्पिटल में हैं, सर कैंसर के डॉक्टर हैं। जानेंगे इनकी क्या राय है इस विषय पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश सिंह हूँ, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में कैंसर स्पेशलिस्ट। आजकल कोविड डिजीज या कोरोना वायरस के बारे में काफी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कोविड-19 जो है ये कोरोना वायरस डिजीज को बोलते हैं, और 19 इसलिए है क्योंकि 2019 में चाइना में सबसे पहले ये बीमारी सामने आई थी। तो क्या है इस बीमारी के बारे में कि इसके बारे में इतना ज्यादा शोर है या फिर इसके बारे में इतनी चिंता की जा रही है, इसके बारे में इतना सब किया जा रहा है? उसका कारण ये है कि एक नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन है जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में हुआ है, और ये जो वायरस इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, पर्सन टू पर्सन बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है ये। और दूसरी कारण ये है कि जिन लोगों में ये हो रहा है उनमें जो करीब 1-3% की मोर्टेलिटी भी है इसमें, जिसमें इंसान की जान जाती है। और जो लोग जो बड़ी उम्र के हैं, 60 साल से ज़्यादा एज के हैं। सर, जैसा कि कहा जा रहा है कि मास्क लगाइए अपने चेहरे पर, अगर आप गली में भी निकल रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं तो मास्क लगाइए अपने चेहरे पर, तो ये मास्क हमें कितनी सुरक्षा देते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? मास्क कई तरह के होते हैं। नॉर्मल सर्जिकल मास्क होते हैं जो आपने आमतौर पर देखे होंगे, और दूसरी टाइप के मास्क होते हैं जिनको N95 या N99 के नाम से जाना जाता है। सर्जिकल मास्क जो होते हैं वो कॉमनली अवेलेबल हैं, और ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिन्हें कोई सिम्टम है, जैसे बुखार और खांसी अगर है उनको, तो उन दोस पर्संस शुड यूज दिस मास्क, ताकि उनका जो इन्फेक्शन है वो दूसरे लोगों तक ना पहुंच पाए। और दूसरे वो लोग जो ऐसे लोगों की केयर कर रहे हैं जिन लोगों को इस तरह के सिम्टम हैं, तो उन लोगों को इस तरह के मास्क यूज करने चाहिए ताकि उनके ऊपर जो है वो उनका इन्फेक्शन ना आ पाए। N95 मास्क जो होता है, N95 का मतलब है कि ये नॉन ऑयल बेस्ड होता है, और 95% ऑफ PM2.5 पॉल्यूटेंट्स को प्रिवेंट करता है आपके अंदर एंटर होने के लिए। ये वाले मास्क उन लोगों के लिए रिकमेंडेड हैं जिनको ऑलरेडी कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, या जो उन लोगों की केयर कर रहे हैं जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, उन लोगों के लिए इसको यूज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।